हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने बारे में कि मैं क्या हूं। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर रेलियन सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं, ठीक है। और मेरी जो प्रोफाइल है वो इंजीनियर के साथ साथ मैं पार्ट टाइम में टीचर भी हूँ, मतलब मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। जो मेरा बेस सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं आप सभी लोगों को गाइड करना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि आप लोग कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की डेट में आप देखें तो इंग्लिश ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना, सुनना, समझना, तीनों ही फील्ड में। तो किस तरह आप इम्प्रूव करें, मैं इसीलिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि सभी लोगों के ये बात मैसेज पहुंचाऊं कि किस तरह अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएं। पहली चीज़ है, आप सभी ने सुना होगा कि इंग्लिश बोलें, समझें, देखें तो इससे फ़ायदा होता है। सही में फ़ायदा होता है। आप जितने भी चीज़ें आसपास देखते हैं कोशिश कीजिए कि उन सभी चीज़ों को इंग्लिश में बोलें। जैसे कि आपने देखा पेन, हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं बुक्स, पेन, बुक्स, और बोर्ड, मार्कर, फैन, टीवी, जितनी भी चीज़ें हम कोशिश करें कि इंग्लिश में बोलें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ देखें तो इंग्लिश में देखें। अगर आप क्रिकेट मैच के शौकीन हैं और आप क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं तो वो भी कोशिश करें कि आप इंग्लिश में कमेंट्री देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया वर्ड सुनने में मिलेगा, नया नया धीरे धीरे समझने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जब आपके पास कुछ पढ़ने का हो, न्यूज़पेपर या फिर किसी तरह का बुक्स, तो आप कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश की बुक्स को पढ़ें, इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ें। देखिए, हो सकता है कि पढ़ते वक्त आपको समझ में ना आए, लेकिन उसको पढ़ते पढ़ते जो आपके हेजिटेशंस हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे और आपकी जो प्रोनंसिएशंस हैं वो भी धीरे धीरे कंप्लीट ठीक होती चली जाएंगी। धीरे धीरे आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आपको उनके मतलब ही समझ में आने लगेंगे। आपको मैं बताऊं कि इस तरह आप अपनी इंग्लिश को ठीक कर पाएंगे। वीडियोज़ इंग्लिश में देखें, इंग्लिश को लिसन करें, इंग्लिश की म्यूज़िक को सुनें, इस तरह से आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। फिर आप कहेंगे कि मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा, फिर मैं इन सभी चीज़ों को करने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें थी जो आपके एक्टिविटी में थी। अब आपके अंदर क्या है वो हम यहाँ से देखेंगे कि आप क्या कर सकते थे। मेरा जो फोकस है, मैं आप सभी को चाहता हूँ कि किस तरह आप उनको समझ सकें। आपने कोशिश करी बोलने की, आपने कोशिश करी सुनने की, आपने कोशिश करी पढ़ने की, लेकिन उसको समझे कैसे, इसके लिए मैं कुछ बताऊँगा। इसके लिए क्या था कि हम सबसे पहले टेंथ से स्टार्ट करेंगे और जो मेरा जर्नी है इंग्लिश का कि किस तरह आपको इंग्लिश समझ में आने लगे, मैं उस पर ही फोकस करूंगा। बाकी मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इंग्लिश सुनेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश देखेंगे, आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंग्लिश में पुकारेंगे। अगर घर में कॉल करना हो तो उन चीज़ों को आप इंग्लिश में कॉल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग टेंस पढ़ेंगे। टेंस में जैसा कि मैं बता दूं कि बेसिक जो होता है वो होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे आने वाले वीडियोस में कि किस तरह प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस क्या है, किस तरह इसको पढ़ें। और मेरा दावा है कि आप जब इस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको फ्यूचर में कभी भी टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी से टेंस को बिल्कुल ही सही तरीके से समझ जाएंगे और टेंस के आधार को समझ जाएंगे कि टेंस आखिर होता क्या है। फिर जब हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, टेंस कंप्लीट होने के बाद हम लोग मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स खत्म करने के बाद हम लोग प्री पोजिशंस पढ़ेंगे। प्री पोजिशन खत्म करने के बाद हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे। कंजंक्शन खत्म होने के बाद नरेशन, वॉइस और क्वेश्चन टाइप, इन सारी चीज़ों को हम लोग डीप में पढ़ेंगे। मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप ये किसी बुक से नहीं पढ़ सकते। मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि एज अ स्टूडेंट आप किन डिफिकल्टीज़ को फेस करते हैं, मुझे वो याद दिलाना है। टेंस भी आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन जिस तरह मैं आपको टेंस यहाँ पे बताऊंगा, जिस तरह मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, मे भी आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी और आपके दिमाग में वो बात घर कर जाएगा। धीरे धीरे जब मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपका जो समझने का पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा और लिखने का पावर भी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। मेरा काम यही है कि आपका समझना और आपका लिखना, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों चीज़ों को फुल्ली इम्प्रूव करना। अगर ये दोनों चीज़ें फुल्ली इम्प्रूव हो जाती हैं और आप कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वीडियोस को इंग्लिश में देख रहे हैं, कंटिन्यूसली इंग्लिश के सॉन्ग सुन रहे हैं, तो आप मेरी बात समझिए, आप 101% आप इंग्लिश को सही से बोल पाएंगे, सही से समझ पाएंगे और सही से लिख पाएंगे। हमारा चैनल है, आपको अगर किसी तरह का कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह के अगर इंग्लिश के बारे में कुछ थॉट्स हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इंग्लिश के लिए ये हमें ज़रूरी है, चाहिए, होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स को भी क्लियर करें। मेरी तरफ से जो मेजर टॉपिक्स हैं इनको क्लियर करने से आपका इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलें और आप उससे हमेशा कनेक्ट रहें,
तो आप हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन लेफ्ट साइड में ड्रॉप में आ रहा होगा, आप वहाँ पे सब्सक्राइब करें। साथ में आप देखेंगे तो बेल बटन होगा, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हम जो भी न्यू वीडियोस इन लेसन्स के अकॉर्डिंग आपको दिखाना चाहते हैं वो आप तक जल्दी पहुँचें, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके इन सारी चीज़ों को अपने रियल लाइफ में लाएँ। साथ ही साथ आप पढ़ भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको कहीं ट्यूशन नहीं जाना है। होता क्या है कि जब हम जॉब लाइफ में होते हैं तो ट्यूशन पढ़ने में भी अजीब सा लगता है, आपको यहाँ से ट्यूशन जाना नहीं पड़ेगा। और मेरा दावा है कि आपका इंग्लिश रिटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो इंग्लिश के प्रति पहले थी वो अब ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे अगर आपने हेजिटेशन को कम्प्लीटली इम्प्रूव कर लिया, ख़त्म कर दिया, तो आप बोल भी पाएंगे। मेरा टारगेट यही है कि आपको इंग्लिश समझ में अच्छा आए, इंग्लिश सही बोल पाएँ और इंग्लिश सही से लिख पाएँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और आने वाले वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं जो इन सारे लेसन्स को कवर करेगा और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगा।